अगले कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार लड़ाई टक्कर की है। मैं इस समय हूँ नंदीग्राम में, अमर नाम तुम्हार नाम, सिंगोर भांगोर नंदीग्राम, कुछ इसी तरह से इस इलाके को जाना गया है क्योंकि आंदोलन की भूमि मानी गई है। लेकिन इस बार एबीपी न्यूज आपका पसंदीदा चैनल जगह जगह जाकर जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार लोगों के दिल में क्या है, लोगों का मूड क्या है। और इसी के तहत हमने बात की कई लोगों से और जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनका क्या है मिजाज इस बार पश्चिम बंगाल में। चलेंगे आपके पास सिर्फ सीधा स्टूडियो, अनुराग मुस्कान वहां पर है और आपको बताएंगे कि आखिरकार सी वोटर के साथ किए गए इस सर्वे में क्या है खास और क्या है बंगाल का मिजाज। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा आपका, बड़ी वहां पर दिलचस्प चर्चा को अंजाम आप देने वाली हैं, लेकिन ये चर्चा जो है वो आधारित होगी उन सवालों पर जो जनता से पूछे गए हैं। कई सारे सवाल हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। पहला सवाल ये पूछा गया, मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है? देखिए, ममता बनर्जी को अब भी 52% लोग पसंद करते हैं, दिलीप घोष 25%, अधीर रंजन 2%, सौरव गांगुली 4% और शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी छोड़ करके अब दामन थाम चुके हैं बीजेपी का, 1% लोगों की वो पसंद बने हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। क्या ममता से गुस्सा है, परिवर्तन चाहते हैं पश्चिम बंगाल के लोग? देखिए, गुस्सा है, बदलना चाहते हैं 42% लोगों ने कहा है, गुस्सा है पर सरकार नहीं बदले ऐसा 40% लोग चाहते हैं, और 18% लोग हमें ऐसे मिले कि ना तो गुस्सा ना ही बदलना चाहते हैं, यानी खुश हैं और चाहते हैं कि यही सरकार चलती रहे, कोई बदलाव ना हो। मुख्यमंत्री के तौर पर ममता का कामकाज कैसा लगा आपको? यह सवाल जब पूछा गया तो 50% लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा, 32% ऐसे लोग थे जो कहते कि हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा काम था, और 17% लोगों ने कामकाज को ममता बनर्जी के औसत बताया। मनोज्ञा, ओवर टू यू, बाकी के सवाल हम लेंगे लेकिन उससे पहले इन सवालों पर चर्चा हो जाए। जी बिल्कुल, चर्चा के लिए मैं हूँ इस समय नंदीग्राम में। नंदीग्राम आंदोलन के बारे में सभी जानते हैं, 2007 में इसी आंदोलन के आधार पर 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता में जीत हासिल की थी। 34 वर्ष के लाल फ्रंट के यानी वाम मोर्चा के किले को लगभग धराशायी कर दिया था। आज इस पर चर्चा करेंगे, क्या बदला है, क्या परिवर्तन हुआ था या परिवर्तन होने को है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं लोकेट चैटर्जी, सांसद हैं हुगली से, सिंगूर से आती है और आज नंदीग्राम में बोलेंगी। जोई विश्वास तृणमूल कांग्रेस की नेता है, तो वही अनवर अली साहब कांग्रेस से है, बताएंगे की आखिरकार वाम मोर्चा के साथ क्या है खास, और परितोष पटनायक जानकार हैं, सीपीआईएम के कद्दावर नेताओं में से हैं। लेकिन इस बार सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या है खास, क्या आप ही से शुरू करें, सांसद है सिंगूर से, लेकिन अभी जब बात कर रहे हैं नंदीग्राम की, सर्वे देखा 50% से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग लास्ट 10 साल में देख लिया है, जो सिंगूर आंदोलन हुआ है, नंदीग्राम में आंदोलन हुआ है, ममता बनर्जी ने उस टाइम में जब परिवर्तन का नारा उठाया था उस टाइम में बोला था कि हम लोग किसान के लिए कुछ करेंगे, और सिंगूर से आप सब लोग को पता है कि सिंगूर से टाटा आया था लेकिन उसका 90% पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, उसके बाद उसको पूरा बुलडो। लेकिन अभी तो 50% लोग कह रहे हैं कि दीदी को वापस चाहते हैं। देखिए, आप लोग देखेंगे, अभी तो 1 महीना बाकी है, सब लोग चाहता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी का आएगा और सरकार का परिवर्तन भी चाहते हैं, और सब लोग, आप 1 महीना और बाकी है, सब लोग को मालूम है भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। जी विश्वास, आपसे पूछेंगे कि 2019 में तो कह रहे थे बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, 40% वोट ले आई और अब फिर से गिरते आंकड़े, क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा के बात अलग होते हैं, बट विधानसभा की जब बात आएगी तो यहाँ पर आप जो जैसे अभी दिखाई रहे हैं कि 50% लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बंगाल में अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का फेस है ममता बनर्जी, इनका कोई अल्टरनेटिव फेस अभी तक बंगाल में। क्या ये बात सही है? कांग्रेस से पूछेंगे, टीना का रूल है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, सच्चाई है इसमें? सही नहीं है, वह अल्टरनेटिव होगा, क्यों ना 2016 में इलेक्शन जो हुआ था, अभी 2021 जब इलेक्शन होगा इसमें बहुत सा बदलाव है। क्या बदलाव होगा? आप तो पिछली बार भी लड़े थे कांग्रेस के साथ, इस बार भी लड़ रहे हैं, पिछली बार भी हारे थे, इस बार भी उसी की तैयारी है? नहीं, इलेक्शन में तो हार जीत होते ही है,
ये हमारा गणतंत्र का परंपरा है। लेकिन आप जो बात उसने आपने पहले पूछा था उसको, क्या सिंगूर और नंदीग्राम, पहले जिसको आपने पूछा था लोकेट जी ने इस दिन इस ममता बनर्जी के साथ था और सिंगूर में सब कुछ ध्वंस कर दिया, और फिर अभी वहाँ पे कहते हैं कि आपके खिलाफ ही तो लड़ाई हुई थी, यहाँ गोलियां तो आप ही ने चलाई थी। नंदीग्राम के लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार याद है वो दिन आपको जब यहाँ गोलियां चली थी नंदीग्राम में, नंदीग्राम की जनता से पूछना चाहेंगे। वाम मोर्चा कह रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे आज की पे? जो गोली बरसात किया था ना, और गोलीबारी जो भी किया था वो टीएमसी ने किया था, ठीक है, टीएमसी ने किया था गोलीबारी, जो खून का लोहा लोहार बह गया। आज 10 साल बाद कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं लोगों की, क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, क्या है सवाल, आप युवा हैं यहाँ का? जी, युवाओं का सवाल यही है कि ये जैसे आप देख सकते हैं ये एक आईटीआई कॉलेज है, ऐसे ही बंगाल के हर एक गली नुक्कड़ में एक आईटीआई कॉलेज, बेसिक कॉलेज, बीएड कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन काम कहीं नहीं मिलेगा। तो ममता जी बोले थे कि पावर के आने के 6 महीने के अंदर इंडस्ट्री लाएंगे, लेकिन अभी 10 साल हो गया, इंडस्ट्री तो कुछ आए नहीं, और सब लड़के मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गया, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। सच्चाई है इस बात में, क्या कहेंगे? जो भी सवाल से पूछेंगे, आप तृणमूल कांग्रेस से हैं, ये बताइए कि आखिरकार क्या है? आपने कहा कि हम सत्ता में परिवर्तन करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ? कौन बोला कुछ नहीं हुआ है? 21 साल के जो बामफ्रंट का जो जमाना खत्म होने के बाद यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ है सब बंगाल के लोगों को पता है। बंगाल के सड़क से लेके, बंगाल के स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके, शिक्षा से लेके, हर एक चीज में डेवलपमेंट में हुआ है। कौन से कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है आप मुझे बताइए। नंदीग्राम में क्या क्या हुआ है या यहाँ के लोग, ये तो यही की जनता है आपसे सवाल पूछ रही है कि हमें यहाँ पढ़कर नौकरी कहाँ मिलेगी। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी तो वादे थे कि साल में 2000 करोड़ का एक नौकरी का, कहा वो वादा कहा निभाया गया है मोदी जी ने? तो ये तो पाला बदलने की बात है, इस गेंद को उस गेंद, इस गेंद। देखिए जो यूई ने जो बोल रहे हैं, जो रास्ता का, जो सड़क का जो बोल रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री का केंद्रीय सरकार से आता है। जो स्वास्थ्य का बोलता है, आप लोग जानते हैं जो आयुष्मान भारत जो प्रकल्प है, उन्होंने उनको भी बंगाल में रोक दिया गया। अब सब लोग जानते हैं, जनता को मालूम है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड क्या है, इलाज भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना काल अगर हम लोग को नहीं आता तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता कि 50 लाख जो श्रमिक जो लोग हैं, लेबर जो लोग हैं, बाहर में काम करता है, तो इधर काम कहाँ है, कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब कोरोना काल होता है तो सारे नियम लोगों पर लागू होते हैं, लेकिन जब रैली होती है तो नेता भूल जाते हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम, मोदी जी बोला 2 करोड़ बेकार की चाकरी देगा, उसे कोई चाकरी नहीं। फिर बोला 15 लाख अकाउंट दीजिए, कोई नहीं। फिर मोदी जी तो सबसे भारत सब पीछे गया। तो सवाल क्या है आपका, किससे क्या सवाल है? हाँ, मेरा जोट है ये बंगाल का, मेरा सरकार होगा, मेरा जोट महाजोट है, महाजोट है। महाजोट को क्या खुद पर भरोसा है? अभी तक आप तो कभी अब्बास सिद्दीकी के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं, खुद आपका फैसला हो चुका है किसके साथ? सुनिए, अभी बंगाल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 2016 इलेक्शन में तृणमूल को मिला था 2 करोड़। अरे आप हमेशा इतिहास में चले जाते हैं, हम वर्तमान भविष्य की बात कर रहे हैं, बताइए। बंगाल पर जो हो रहा है अभी नंदीग्राम ने, मैं पहले आपने पूछा था ना, जो नंदीग्राम का बहुत सारे आदमी ने शहीद हुआ है, लेकिन आपने ये भी देखा है कि नंदीग्राम को यूज करके अभी ममता बनर्जी ने सीएम हो गया, और जो अभी शुभेंदु तृणमूल में था वो बीजेपी पे आया, जिसी ने वो अभी यहाँ पे परिवहन मंत्री था, सीएम अभी सीएम के दानत था, अभी तक उनका फैमिली का सपने, चेयरमैन, काउंसिलर, एमपी, एमएलए, सब कुछ हो गया, लेकिन नंदीग्राम को कुछ नहीं मिला है। जो था अभी नंदीग्राम में अभी भी वही है, अभी यहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं हुआ, वहाँ पे जो कोच फैक्ट्री होने के बात किया था मुख्यमंत्री ने, सीएम ने बोला था, अभी तक नहीं हुआ है। जो अभी देखा था उसने परिवेश बांधव कल जब इंडस्ट्री होने के बाद था, वो भी कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ है तो क्या जनता ये कहती है कि रेलवे कोच की फैक्ट्री नहीं होती थी, नौकरियां मिली है शहीदों को? मेरा कहना है, क्योंकि जो बामफंड अभी बोला ये नंदीग्राम से शुभेंदु बीजेपी पे आया, ये बात पहले सोचना चाहिए। जब 77 में बामफंड क्षमता पे आया है नंदीग्राम से, तब कितना कांग्रेसी नेताओं को साथ लिया है, यही मेरा पहला सवाल। पहला सवाल तो ये है, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे, महिलाओं से पूछना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कारण है, आपने की मोने करण दी है एखाने जा अवस्था? एखाने जा अवस्था बर्तमान, আমাদের উচিত মহিলাদের, আমাদের বিজেপি সরকার আসা অবশ্যই উচিত।
पार्टी का नाम नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सवाल क्या है ये बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? अभी अभी सीपीएम ने जो बोला ये सीएम तृणमूल का, उन्होंने गुलियां चलाई नंदीग्राम में, लेकिन 2007 साल में जब फाइट हुआ था नंदीग्राम में, उस वक्त सीएम था सीपीएम का, उन्होंने नंदीग्राम वासी के ऊपर गोली चला दिया। उस रास्ते बेहतर हुए हैं, रास्ते बेहतर हुए हैं लोगों के लिए बताइए, रास्ते बेहतर हुए हैं? रास्ता नहीं है, रास्ता कोई यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पे किसान कितने हैं, हाथ उठा के बताइए किसान कितने हैं? किसान के लिए क्या बंगाल सरकार और केंद्र सरकार किसने क्या काम किया है? सुनिए मैडम, पहले जिस टाइम नंदीग्राम आंदोलन में ममता जी बोला जो ये क्या खेती को नहीं देगा, कारखाना नहीं बनाएगा, अभी खेती नहीं टोटल मछली का झील हो गया, अभी इधर कारखाना भी हुआ नहीं और कोई बेकार को नौकरी भी हो। नेताओं के क्या बंगले बने हैं? किसके किसके बंगले बने हैं? किसके किसके बंगले बने हैं बंगाल में? जो सवाल उठ रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया है बंगाल सरकार ने, इसमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि दिल्ली भी तो नहीं कर रही है किसान के लिए, बंगाल सरकार ने हर चीज कर दिया है, कौन सा बात है जो नहीं किया है बंगाल ने? आज दिल्ली में देखिए क्या हाल है किसान का, और एनआईए को रोहा पर बुला के बुलडोजर से किसानों को जो मूवमेंट्स है वो बंद कर दिया जा रहा है। आज बंगाल सरकार ने किसान के बारे में सोचे है, ममता बनर्जी है जो किसान के सम्मान के लिए सोचे है। किसान को जो केंद्र सरकार के पैसे आ रहे हैं 6,000 रुपए, वो क्यों रोक दिए जाते हैं अगर सोच रहे हैं किसानों के लिए? नहीं, वो तो नहीं रोक दिया गया है, कहाँ रोक दिया गया, वो तो आएगा, दीदी तो बोले क्यों आएगा, तो नहीं रोका गया। क्या ये बात सही है, देर आए दुरुस्त आए? लॉकेट दी, क्या ये बात सही है? देखिए किसान के लिए 10 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया है मोदी जी ने। किसान सम्मान निधि जो उनका जो स्कीम है उन्होंने पूरा देश में चालू किया है, लेकिन दो साल हो गया है, सब किसान लोगों को बंगाल छोड़ के 14,000 रुपीज ऑलरेडी मिल गया है डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से, लेकिन अभी तक बंगाल के जो किसान है उसको नहीं मिला है। अभी ममता बनर्जी वोट आ गया है, ममता बनर्जी शुरू किया, चलो हम लोग देंगे, लेकिन पैसा पहले मेरा अकाउंट में आना चाहिए, पैसा पहले राज्य सरकार के पास आना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। क्यों? मोदी जी पूरा डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से किसान के पास दे दिया है, और आप लोग बोल रहे थे किसान का पैसा कहाँ गया, बंगाल में जो मंत्री लोग है उसका कितना बंगलो हुआ आप सब लोग जानते हैं, जो शांति निकेतन बोल के जो बड़ा बंगलो कालीघाट में है, कालीघाट में पूरा एक टाली चाल छोड़ के जो सब बाड़ी है, तो किसका अधिकार हो गया है, किसका कंट्रोल में चला गया है? और भाईपो का बंगलो के संपर्क में तो सबको पता है ये पूरा। भाईपो से इतनी दिक्कत क्यों है? टीएमसी भी तो सवाल उठा देती है कि हम भी बड़े बड़े नेताओं के बेटों पे सवाल नहीं उठाते हैं, क्या सिर्फ भाईपो से दिक्कत? देखिए पीसी भाईपो सिंडिकेट कंपनी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि भाईपो का बैकग्राउंड क्या है, 2011 में उन्होंने राजनीति में आया है, लेकिन उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी स्ट्रगल नहीं है। आप अधिकारी को बोलिए, अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी है, एकदम लड़ाई करके, नीचे से लड़ाई करके, एकदम सब लोग के साथ एकदम सबका लीडर हुआ है, लेकिन भाईपो का ऐसा कुछ नहीं है। उसको डायमंड डरबा दे दिया, चलो उसको गिफ्ट दे दिया है, पार्लियामेंट में एक बार जाता है, एक बार जाता है भाषण देने के लिए जाता है। आप सब देखिए जो आप लोग देखते हैं मेदिनीपुर के ऊपर आके उन्होंने जो भाषा यूज किया, ये मेदिनीपुर का भाषा नहीं है, ये बंगाल का भाषा नहीं है, ये बंगाल का संस्कृति नहीं है। ये बात सच है कि कितने लोग ये मानते हैं कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उससे आपत्ति है, हाथ उठाइए अगर आप लोगों को दिक्कत है, उस नंदीग्राम के लोगों को आपत्ति है जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्यों आपत्ति है? ये बंगाल का भाषा नहीं है, कुछ आदमी को बाप तुले का किस्ती मरेगा, वो कोनो नेता का भाषा नहीं होगा, भाषा नहीं है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं बहिरागतो के, बाहर की भाषा है बंगाल की भाषा है, ये क्या सवाल हो जाता है बार बार? ये तो स्लैंग लैंग्वेज से बात करना जो नहीं, बहिरागतो आप पूछ रहे थे कि बाहर के लोग और बंगाल के लोग, ये सवाल क्यों उठ जाता है बार बार, ये आप पूछ रहे थे वो बताइए। हाँ, ये बाहर के लोग बहिरागतो किसे बोला जाता है? और ये जो अभी जो आप पूछ रहे थे जो इतना ये सब जो करने का बाद बहिरागत कोई भी आ जाता है, अमित जी आए उसको बहिरागत, नड्डा जी आए बहिरागत, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? अच्छा एक बात बताइए, जब आप भारत के बाहर कहीं जाते हैं तो पासपोर्ट किस रंग का होता है? तो ऐसा क्यों होता है कि बंगाल में अगर कोई दूसरे राज्य से आता है तो हम उससे पूछ लेते हैं क्या बाहर से हैं? ये सवाल ही क्यों?
ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी को बहिरागत नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं जो बंगाल में रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बाहर के स्टेट से भी आते हैं, उनको शांति, अगर यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए आ रहे हैं, बंगाल के डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं, बंगाल के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, तो ऑलवेज वेलकम। लेकिन अगर बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर को अगर खराब करने के लिए आएगा, बंगाल के यहाँ पर शांति नष्ट करने के लिए आएगा, तो उसको तो हम लोग बहिरागत ही बोलेंगे ना। बंगाल से जनता में एक और जहाँ रोष है तो वहीं दूसरी और आक्रोश है। आपको बताएंगे कि इस बार स्टूडियो ले जाकर बताएंगे आपको कि इस बार के आंकड़े क्या कह रहे हैं, जनता किसको वोट देना चाहती है और किसको नहीं देना चाहती है। चलते हैं स्टूडियो अनुराग मुस्कान के पास। देखिए मनोज्ञा, इससे पहले हमने कुछ सवाल और जनता ने उसके क्या कुछ जवाब दिए हैं वो बताए थे। अब अगला सवाल जो हमने पूछा वो सवाल ये था, सवाल था किस पार्टी का आप कभी समर्थन नहीं करेंगे। 31% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, 29% लोगों ने टीएमसी का नाम लिया, 10% ने कांग्रेस का, 7% ने लेफ्ट का और 5% ने अन्य का नाम लिया। ये इस सवाल के जवाब में हमें आंकड़ा मिला। बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये हमने वहां की जनता से पूछा, तो बेरोजगारी को 35% लोगों ने मुद्दा बताया, बिजली सड़क को 16% ने, भ्रष्टाचार को 11% ने और सीएए एनआरसी को 5% ने और कानून व्यवस्था को मनोज्ञा 4% लोगों ने मुद्दा बताया। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बंगाल की जनता इसको बार बार उठा भी रही है सवाल में, लेकिन आखिरकार जनता के दिल में क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता क्या जानती है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बार बार पूछा भी गया, जूही विश्वास से पूछा गया, लॉकेट चैटर्जी से पूछा गया, कौन कह रहा है कि नौकरियां मिल गई है बंगाल में, क्या कहेंगे आप, नौकरी मिली है लोगों को? बंगाल में तो कुछ नौकरी नहीं मिला है, फिर भी बंगाल को सर्वनाश किया है तृणमूल ने, 9.5 साल से तृणमूल ने बंगाल को क्या आपको नौकरी मिली है, सवाल पर आइए। नहीं नौकरी मिला, बंगाल का कोई जवानों को नौकरी नहीं मिला है, ठीक है, बेकार बहुत बड़ी हुआ है। लेकिन जो ये तृणमूल ने जो शांति की जो बात बोल रहा है, क्यों ये लोग शांति की बात ये लोग को मुंह में शोभा नहीं देती है, क्यों नहीं शोभा देती है, क्या कहेंगे, क्या मारपीट बहुत होती है गाँव में? ये लोग तो बदल का नाम पे आया, जब बदला नहीं बदल चाहिए, लेकिन ये लोग इतना ऐसे बदलाया जे पंचायत भवन में वोट किसी को नहीं देने दिया, हर 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 भाई को धमकाया जे तुम वोट देने जाओगे तो तुमको पीटेगा। ये नौकरी का बात करते ना, ये आदमी को ना 2 करोड़ नौकरी देने का बात किया था ना, हमारा प्रधानमंत्री जितना नौकरी दिया 70 साल में इतना कोई न... ये बात क्या सच है, जूही विश्वास आपसे पूछेंगे कि क्या सच है, कह रहे हैं केंद्र सरकार ने बहुत नौकरियां दी बंगाल में नहीं दिख रही। 2 करोड़ नौकरी साल में मिला है तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठा है बीजेपी के, तो उनसे पूछिए आप जाके कि उनको किसको प्रधानमंत्री ने नौकरी दिए हैं, उनसे पहले सवाल करना चाहिए आपको कि किसको मिला है प्रधानमंत्री के जो 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा था साल में, पहले किसको, इसके कार्यकर्ता जितने बैठे हैं इसमें किनको? लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है, फिर बार बार ये कहते हैं नौकरी नहीं मिली, किसान का पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अगर 10 साल अच्छा शासन हुआ है तो कहिए हमने ये किया है। कौन बोला है ये आपका एक तरफा का जो शो आपने किए हैं यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर्स को, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस पर बहुत इसमें न जाने कितने किसके हमने बिल्कुल नहीं ये गलत बात है, ये नहीं मानूंगी मैं। ये बताइए कि जो जनता का आक्रोश है या जनता का गुस्सा है नौकरी को लेकर, केंद्र सरकार कहती है हमने नौकरी भेजी है, तो झूठ बोल रही है सरकार, बार बार दीदी ने कहा है ये। बंगाल में तो कुछ इंडस्ट्री भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो बंगाल में नौकरी कैसे मिलेगा? आप देखिए केंद्रीय सरकार को देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखिए, आप जो जो राज्यों में जो हमारा बीजेपी सरकार है वहां पर देखिए लोगों को कितना नौकरी मिला है, यहां से बंगाल से पूरा गुजरात चला गया है, उत्तर प्रदेश चला गया है नौकरी के लिए, तो बंगाल में तो कुछ भी नौकरी नहीं है, और वो लोग तो सच ही बोल रहा है बंगाल में नौकरी कुछ भी नहीं है। और अभी जो तेल का जो हल्दिया में किया है, जो आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले का बात है, प्रधानमंत्री जी आए थे, और जो अशोकनगर में जो हो रहा है, तो इसमें तो इंडस्ट्री बड़ा इंडस्ट्री आने, देखिए ये बड़ी बात है कि बार बार तेल की बात हो रही है लेकिन तेल के दाम क्या बीजेपी के नेता खुद ही भूल जाते हैं। और अब इस समय बीजेपी ने बंगाल में खासतौर से इस इलाके में शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद क्या टीएमसी को नुकसान हुआ या बीजेपी को फायदा? जो जनता पश्चिम बंगला एवं भारतवर्ष में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी उसका कैबिनेट मंत्री, सवाल क्या है? मेरा सवाल है नर्मदा सारदा में जो चोर है वो बीजेपी उसको सहारा दे रहा, तो क्या ये बात सही है? आपसे पूछेंगे कि आखिरकार वॉशिंग मशीन क्यों कहा जाता है, आपको बताते हैं। अनुराग मुस्कान के पास चलते हैं और इस सर्वे में बताते हैं कि
कि क्या टीएमसी से नेता जब बीजेपी में आते हैं तो सच में दाग धुल जाते हैं। हाँ मनो, क्या कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए जनता से भी और उसके जवाब क्या क्या मिले हम बता रहे हैं आंकड़ों के जरिए। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का कामकाज कैसा लगा ये हमने पश्चिम बंगाल के लोगों से पूछा। 45% लोगों ने कहा अच्छा लगा, 40% लोगों ने माना खराब लगा और 15% कहते हैं कि एवरेज लगा, यानी औसत लगा प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज। अगला सवाल था कि क्या उत्तरी बंगाल में टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी, बहुत अहम सवाल था पश्चिम बंगाल के लिहाज से। जवाब भी देखिए, 48% लोग कहते हैं कि हाँ, 36% कहते हैं कि नहीं टीएमसी बीजेपी पर भारी नहीं पड़ेगी और 16% नहीं जानते इस सवाल का जवाब। काम वो कहते हैं कि 16% हम कह नहीं सकते कि क्या उत्तरी बंगाल में टीएमसी पर भारी पड़ेगी बीजेपी या नहीं। मनोज्ञा जी, बिल्कुल कौन किस पर भारी पड़ेगा नहीं पता, लेकिन जनता का आक्रोश देखने लायक है। आखिरकार क्या कारण है आपको बताएंगे कि क्या अगर कोई नेता तृणमूल कांग्रेस में नारदा सारदा में रहा हो और वो बीजेपी में आ जाए, क्या वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं सब? सबको मालूम है ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में था, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, उसके बाद बहुत सारा कांग्रेस का नेता लोग तृणमूल कांग्रेस में आ गया है। क्या तृणमूल कांग्रेस उस टाइम में वॉशिंग मशीन हो गया था? उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जब क्षमता में आया था उसके बाद बहुत सीपीएम का नेता तृणमूल कांग्रेस में अभी है, क्या तृणमूल कांग्रेस भी वॉशिंग मशीन है? क्या ये बात सच है कि टीएमसी से बीजेपी में चले जाते हैं तो साफ हो जाते हैं और बीजेपी से जब आप टीएमसी में लेते हैं तो भी वही होता है? ऐसे बात नहीं है, एक दल जब बड़ा हो जाता है तो कोई कोई लोग आते हैं, कोई कोई लोग चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तृणमूल से भी चले गए, हम बहुत सारे बड़े मेरे नेता भी चले गए, उसके लिए हमारी दुख है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है, कोई भी पर्सनल चॉइस है। क्या कहेंगे आप? नारदा से बचने के लिए बीजेपी में जा रहा है वो लोग और बीजेपी वो लोग अपना कोल में उठा ले रहा है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन वही सरकार जब सत्ता में आती है बंगाल में तो डीएफआई एफआई और एसएफआई के समर्थकों पर लाठीचार्ज हो जाता है, न बनो अभियान में लोग मर भी जाते हैं। आज सुबह से तो आप लोग ने देखा है कि हमारा मोहिदुल इस्लाम मिद्दा ने अभी जो देखा है जो 10 बाम छात्र जुबा ने नबन अभियान किया था उस पर पुलिस ने बेरहम से लाठीचार्ज किया है और हमारा मोहिदुल इस्लाम मिद्दा ने खून हो गया, पुलिस ने खून कर दिया। लेकिन दोनों सरकार जो है वो झूठ का सरकार और लूट का सरकार चल रहा है, वो जितने सारे झूठ है झूठ बोलो और जितने सारे लूट करना है करो, वो पीएम केयर में नाम के लूट कर रहा है और ये अम्फान में लूट कर रहा है, दोनों सरकार झूठ और लूट में चल रहा है और इंसान को बेवकूफ बना रहा है। देखिए कौन किसको बेवकूफ बना रहा है वो भी बात हो रही है नंदीग्राम में। नंदीग्राम वो जमीन जहां पर जमीन आंदोलन के दौरान वाम मोर्चा ने ही गोलियां चलाई थी और उसके बाद कुछ वर्षों बाद सत्ता से हाथ धो लिया था। बात करेंगे आपसे, क्या इस बार नौकरियां मिली है, पीएम ने अच्छा काम किया कि दीदी ने अच्छा काम किया? कोई भी अच्छा नहीं काम कर रहा है ये दो सरकार। अब पेट्रोल में अब देखिए, जब पेट्रोल 40 पर 46 रुपया जब पेट्रोल था, अब में बीजेपी का एमपी लोग सब संसद का पर घराव कर रहा था, अब पेट्रोल 90 रुपया हो गया, अब बीजेपी वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, अब बीजेपी वालों को पेट्रोल नहीं। ये जनता के सवाल है, जनता के सवाल तीखे भी होंगे। मैं एबीपी आनंद से एक बात आपसे पूछेंगे, क्या सवाल पूछ रहे थे? पेट्रोल का रेट बोल रहे हैं 90 रुपया हो गया, लेकिन हमारा देश में हमारा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन होता है, वहाँ क्यों 50 रुपया दे के हमारे को आलू खरीदना पड़ता है? बहुत बड़ी बात है, ये किसानों की बात है, लेकिन जब किसानों की बात उठती है तो कहा जाता है कि दिल्ली में क्यों नहीं दिल्ली सरकार को किसानों की आवाज सुनाई देती है, क्यों नहीं सुनाई देती है किसानों की आवाज दिल्ली में केंद्र सरकार में, लेकिन बंगाल में बवाल हो जाता है। केंद्रीय सरकार किसान के लिए जो अभी कानून जो केंद्रीय सरकार ने अभी पेश किया है जो पास हो गया है किसान के हित में है, हम सब लोग जानते हैं कि 47 के बाद किसान को फिर से स्वाधीनता का महसूस हुआ है और बंगाल में भी आप लोग जानते हैं बंगाल में तो तृणमूल सरकार को किसान के लिए कुछ बात बोलने का अधिकार भी नहीं है क्योंकि बंगाल में किसान के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि आलू सबसे ज्यादा बंगाल में होता है, आलू का किया इतना दाम क्यों है, और सब लोग जानते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ता है हम लोग जानते। आप तो सिंगूर से सांसद हैं, आप भी बता दीजिए सबसे ज्यादा आलू वहीं बिकाई बनता है। ये सिंगूर में तो अभी टाटा का फैक्ट्री बनाने के लिए जो इंडस्ट्री बनाने के जो मिट्टी का जो टेक्नोलॉजी हुआ था, अभी सिंगूर में ममता बनर्जी जाके पूरा सब जगह में सरसों का बीज छड़ाया, उन्होंने बोला सिंगूर में फिर से फसल होगा, लेकिन सब लोग को मालूम है वो जमीन में फसल नहीं होगा, राजनीति की फसल है, राजनीति की फसल बो रहे हैं, राजनीति के बीज बो रहे हैं।
क्या ये कहें कि बार बार राजनीति होती है तब याद आती है चुनाव की, सिंगूर की, नंदीग्राम की, किसानों की, तब सड़कों पे उतर जाती है टीएमसी केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं कि केंद्र में क्या चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कृषक के जो आवाज है उसको बंद करने के लिए आज क्या कर रहा है। दिल्ली के सड़क में ठंड में कृषक पर के मर रहे हैं वहाँ पर बैठ के आंदोलन करके। अगर किसान के बारे में सोचते थे तो किसान को मरने का जरूरत क्या था? आज हरियाणा बॉर्डर में, पंजाब बॉर्डर में, दिल्ली बॉर्डर में क्या हाल है किसान का? वहाँ पर तो बैठ के वहाँ पर आंदोलन करके कृषक मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो चलो इसी के सहारे हो सकता है किसी राज्य में जिंदा हो जाए। जी अभी किसान को लूटना, किसान का जमीन लूटना, फसल लूटना, यही तो बीजेपी का काम है। अभी जो नया कानून बनाया है ये किसान को लूटने के लिए, बचाने के लिए नहीं है। बात होती है वाम मोर्चा की और इसकी, आप तो किसानों की बात करते हैं। लैंड सीलिंग एक्ट सबसे पहले बंगाल में लगा, सबसे ज्यादा आप सत्ता में रहे, भूल गए किसानों को? नहीं, किसान को नहीं भूला है, इसीलिए सारा देश पर अभी जो किसान आंदोलन हुआ है उसके सामने में जो है वो वामपंथियों ने है। लेकिन ये बात है कि जो बीजेपी के ने बोला था कि किसान निधि ने जिसका बात किया था, जो किसान निधि अच्छा होता है किसान के लिए। आपको पता है आपके आपके खुद के विधायक हन्नान मुल्ला के इलाके में क्या हालत है किसानों की, आपको पता है? आप सवाल कर रहे हैं दिल्ली में लोगों को? नहीं, यहाँ पे तो अच्छा है, बंगाल का जो किसान है वो लोग अभी तक अच्छा है। लेकिन मोदी जी ने अभी जो कर रहा है ये है, जो ये जमीन अब किसान का नहीं रहेगा, अदानी अंबानी का होगा। अगर मोदी जी करे तो गलत, बाकी कोई करे तो सही। क्या ये बात सही है कि मोदी बनाम ममता है बंगाल में, या फिर ये कहेंगे किसान की जमीन? आप किसान है, कानून में ऐसा लिखा है? झूठ मत बोलने, बोलो मेजा चुथिया कर देगा। ऐसा आदमी को गुमराह कर रहा है, ऐसा झूठ बोलोगे जितना भी दंगा हो रहा है इस नेता लोग की वजह से दंगा हो रहा है। मालूम है एक किसान क्या है? मालूम है लोगों को किसान क्या है? अरे वो तो किसान है तो 2-6 हजार रुपया लेने के लिए रात 4 बजे से खड़ा रहता है पंचायत के सामने, वो वीडियो का सामने 4 बजे से खड़ा रहता है, रात 4 बजे से। ये लोग किसान किसान कहता है, किसान क्या मालूम है इनको? लोग गालियां मीडिया में है, गालियां नहीं देना चाहता हूँ। देखो भाई, किसान का मेन प्रॉब्लम क्या है? किसान का मेन क्या प्रॉब्लम है इन लोग को मालूम है? किसान का दो प्रॉब्लम है, एक किसान का बहुत तरीका प्रॉब्लम है, किसान का मेन है दो प्रॉब्लम है, मेन दो प्रॉब्लम है। एक आप बोलो, एक मेन जो प्रॉब्लम है, हजार तरीका किसान का दो प्रॉब्लम है, मेन दो प्रॉब्लम है। एक प्राकृतिक दुर्योग जैसा अम्फान, और दूसरा रेटों की कमी से। पहले के लिए तो बहुत कुछ लेकर आया, जैसे मैंने 6-6 हजार रुपए ले, बड़ी बातें हैं। और आपको बता दूं, ये आपको टॉर्च दिख रही है, ये टॉर्च बता रही है कि क्या इसे जलाने का समय आ गया है बंगाल में, या फिर किसान हाथ में लेकर चल रहे हैं अपने लिए खुद ही रास्ता बनाने के लिए। आपको बताएंगे कि आखिरकार इस सर्वे में क्या सोच रहे हैं बंगाल के बारे में बंगाल के ही लोग। बिल्कुल मनोज्ञा, सबसे अहम सवाल जो जनता से पूछा गया, किसकी बनेगी सरकार? देखिए बंगाल चुनाव कौन जीतने वाला है, 35% आंकड़े पर गौर करिएगा। टीएमसी को 35% लोग मानते हैं, बीजेपी 43%, 9% कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, लेफ्ट की सरकार बनाने वाले 5 हैं, अन्य को 2% और त्रिशंकु की घोषणा 2% लोग करते हैं, उनको लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। बंगाल चुनाव कौन जीतने वाला है टीएमसी के साथ 35%, 43% भारतीय जनता पार्टी के साथ? मनोज्ञा, बिल्कुल ये तो सर्वे है, क्या ये आगाज है और आगे अंदाजे बयां क्या होगा, लेकिन पूछेंगे आखिरकार लोगों से कि क्या आप मानती हैं कि इस बार सरकार बन जाएगी? इतनी कोशिश कर रही है, पूरा दल बल लेकर बंगाल में आ गई है बीजेपी। 100% सरकार इस बार बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2019 में 18 सांसद को भारतीय बंगाल का जनता ने आशीर्वाद करके पार्लियामेंट में भेजा है। लेकिन क्या इस बार जूही विश्वास आपसे पूछना चाहेंगे कि दीदी बनाम पूरी बीजेपी टक्कर दे रही है दीदी, और इस बार जीत हासिल कर लेंगी, सारे सर्वे पछाड़ दिए जाएंगे? 100% श्योर, दीदी हमेशा से एक फाइटर है, एक टाइग्रेस है, हमेशा कोई ना कोई चैलेंज एक्सेप्ट करती है, और इस बार भी पूरे दिल्ली, पूरा देश के जितने भी बड़ा बड़ा नेता आ सकते हैं आ जाए, बंगाल में जीतेगी दीदी। क्या कांग्रेस को बार बार इसका उसका हाथ थामना पड़ेगा? कांग्रेस को इधर उधर हाथ थामना पड़ेगा सरकार में टिके रहने के लिए? 5%, 9% एक डिजिट पर है। देखिए 5% था, अभी 2021 में 5% नहीं रहेगा, तो बहुत बढ़ेगा ना, बढ़ेगा लग रहा है, भरोसा है हाथ का साथ?
ये दोनों सरकार को अभी देख लिया है कि यहाँ पे फूल बदल हो रहा है लेकिन मुंह एक ही रह गया। ये इंसान अभी पश्चिम बंगाल का वो समझ गया है, इसीलिए यहाँ पर तृणमूल और बीजेपी की विरोध ऑल पार्टीज ने महागठबंधन बनाया, उसी ने सरकार बनाएगा पश्चिम बंगाल पर। बेरोजगार को रोजगार, एक बार बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या लगता है इस बार वॉशिंग मशीन का और बाकी सारी चीजें काम करेंगी? कौन सी मशीन? और ये पब्लिक का जो जोड़ हुआ है बंगाल में, जो आम आदमी का जोड़, सवाल क्या है? सवाल ये है, मेरे सवाल लकड़ जी से है, ये आप जो धरना मंच था ममता बनर्जी का, वहाँ पे आप भी आए थे और राजनाथ सिंह भी आए थे, क्या इस नीति से आप पश्चिम बंगाल में शिल्पे लाएंगे? क्या ये बात सही है? उस समय तो आप भी आंदोलन पर बैठी थी दीदी के साथ और अब आप ही ने पाला बदल लिया। इसको पता नहीं है, मैं 2012 में 20th फरवरी में टीएमसी में ज्वाइन किया था, लेकिन सिंगूर आंदोलन उसका आगे हुआ था। किसी को लेकर उसको कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसको मेमोरी थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए मैं सिंगूर आंदोलन में नहीं थी, ठीक है? लेकिन देखिए इसको कैसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि कभी कभी ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन कभी कभी सवाल पर ही गोल खा जाती है। चुनाव है लेकिन क्या है, जनता का मूड किसकी बनेगी सरकार? महाजोट को मिलेगी, बीजेपी 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 बीजेपी। देखिए ये बात जनता की है, लेकिन बात जब आप करेंगे यहाँ पर लोगों की, तो एक और जहाँ पर सारे बड़े कतावर नेता हैं, तो वही दूसरी और इस बार बंगाल में क्या होगा ये जनता का फैसला होगा। जनता ही फैसला करेगी कि नंदीग्राम से जब पिछली बार सेनापति और खुद मुख्यमंत्री की सेना उनके साथ लड़ी थी बाकी सारी पार्टियों से और जीत हासिल की थी, लेकिन क्या इस बार वही नजारा दोहराया जा सकेगा? क्या इस बार होगा जब मुख्यमंत्री के बनाम उन्हीं के खुद के सेनापति खड़े होंगे आवाज उठाने के लिए? ये बात तो नंदीग्राम की है। ABP News आपको रखे आगे।